बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट हेल्प एंड काउंसलिंग की तरफ से एक नई वीडियो आपके लिए पेश खिदमत है। इस वीडियो का मौजू एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है जो लोग अक्सर पूछते हैं, एमए एजुकेशन के बारे में, कि क्या ये एक प्रोफेशनल डिग्री है या एकेडमिक डिग्री है। याद रखें, एमए एजुकेशन बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड है टीचिंग की तरफ, यहाँ पे लोगों का एक रुझान है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमए एजुकेशन करते हैं जब उनने जस्ट बीए किया होता है, यानी आफ्टर ग्रेजुएशन वो एमए एजुकेशन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आफ्टर मास्टर एमए एजुकेशन करते हैं। अब देखें, इसमें अगर वो लोग जो आफ्टर मास्टर्स एमए एजुकेशन करते हैं उनके लिए एमए एजुकेशन इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि बी एड जो है वो बेनिफिशियल। तो आप जानते हैं कि चूँकि बी एड जो है वो टीचिंग पोस्ट के लिए ज़रूरी होता है। से अगर आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया, आपने किसी साइंस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, जैसे केमिस्ट्री में किया है, बायो में किया है, फिजिक्स में किया है, और अगर आप उस सब्जेक्ट की टीचिंग करना चाहते हैं या उसमें टीचिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए बी एड ही इनफ है। आपको एम ए एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एम ए एजुकेशन करते हैं तो एम ए एजुकेशन जनरल लाइन पोस्ट के लिए होता है, जनरल टीचिंग के लिए होता है, जनरल जूनियर टीचर है या सीनियर टीचर्स के लिए कारामद है। हाँ, आप उसके बाद अगर एम ए एजुकेशन करेंगे तो आपका जो दूसरा मास्टर्स है वो आपका इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि वो बी एड की जगह चूँकि कंसिडर नहीं होगा, वो आपका जनरल लाइन में कंसिडर होगा। और अगर आपको उस सब्जेक्ट की टीचिंग करनी है तो आपको उस सब्जेक्ट में मास्टर्स प्लस एम ए प्लस बी एड जो है वो चाहिए होगा। एम एजुकेशन उन स्टूडेंट के लिए रिकमेंड किया जाता है जिनने जस्ट ग्रेजुएशन किया, और वो फिर अगर जनरल लाइन टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए वो एम ए एजुकेशन कर सकते हैं, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, या वो किसी और टीचिंग पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, तो एम ए एजुकेशन उन लोगों के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें एक और कन्फ्यूजन है कि क्या एम ए एजुकेशन जो है वो आम किसी भी जनरल मास्टर डिग्री को में कंसिडर होता है या नहीं होता। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए समझना ज़रूरी है कि आप देखते हैं बहुत सारी जॉब की पोस्ट आती है जिसमें लिखा होता है किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट आती है या पब्लिक सर्विस में कोई पोस्ट आती है, तो याद रखें एमए एजुकेशन वहाँ पर एज अ एकेडेमिक डिग्री कंसिडर नहीं होता। एमए एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन की पोस्ट के लिए कंसिडर होता है, सिर्फ टीचिंग लाइन के लिए कंसिडर होता है। इवन अगर आप लेक्चरशिप की तरफ जाते हैं तो एमए एजुकेशन आपको लेक्चरशिप में जो एजुकेशन की पोस्ट के लिए, लेक्चर एजुकेशन के लिए ही हेल्प करेगा, आपको बाकी किसी लेक्चरशिप में हेल्प नहीं करेगा। एज अ टीचिंग एमए एजुकेशन आपको जनरल लाइन टीचिंग के लिए हेल्प करेगा। अगर आप किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की जगह इसको एज अ मास्टर डिग्री कंसिडर करना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। तो ये इसमें वाजे हुआ कि एमए एजुकेशन जो है वो एज अ प्रोफेशनल डिग्री फॉर टीचिंग और फॉर ओनली एजुकेशन पर्पज़ यूज़ होगा, ये किसी और मास्टर डिग्री कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये लोग इस कन्फ्यूजन से जो है वो इनको दूर होना चाहिए, अगर वो एम ए एजुकेशन एज अ मास्टर डिग्री कर रहे हैं कि वो किसी टीचिंग के अलावा और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो ये उनके लिए नहीं है। हाँ, अगर वो टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं, वो एम फिल टीचिंग में करना चाहते हैं, टीचर एजुकेशन में करना चाहते हैं, वो टीचिंग पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं जनरल लाइन टीचिंग के लिए, या एजुकेशन की जो पोस्ट होती है स्पेसिफिक उसके लिए, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हैं जैसे हेड मास्टरशिप है, जैसे आपके पास जो है वो डीईओज हैं, तो ये उनके लिए तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मगर बाकी जो पोस्टें होती हैं एजुकेशन रिलेटेड नहीं होती हैं, आप पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, आप एफपीएससी में, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जनरल एकेडमिक डिग्री कंसीडर नहीं होती। तो हमारी जो ओपिनियन है वो यही है कि आप लोग एमए एजुकेशन तब करें जब आप जनरल लाइन टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं या टीचिंग टीचर रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना चाहते हैं। अगर आपने ऑलरेडी किसी दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है तो आप उसके बाद डेढ़ साल जो बी एड है वो करें, आप एमए एजुकेशन उस सूरत में ना करें। क्योंकि अगर आप एमए एजुकेशन करते हैं तो आप जनरल लाइन टीचिंग की तरफ तो आ जाते हैं, मगर उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचिंग के लिए आपको एजेंसीज फिर जो है वो बी एड मांगती हैं। एमए एजुकेशन जो है वो इक्विवेलेंट है, अगर आप नॉर्मल आपकी जो एजुकेशन है वो नॉर्मल है, एजुकेशन ही एजुकेशन के सिलसिले में ही है, मतलब आपने सिंपल बीए किया हुआ है,
तो आप एमए एजुकेशन ही करें, वो आपके लिए इसलिए फ़ायदेमंद होगा कि आप जस्ट बीएड के बगैर ही जनरल लाइन टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मगर अगर आप अपनी डिग्री मास्टर किसी और सब्जेक्ट में हासिल कर चुके हैं तो उस सूरत में आप बीएड करें, क्योंकि वो जो बीएड है वो आपको जनरल लाइन टीचिंग के लिए भी कारामद होगा और उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिक टीचिंग के लिए भी काफ़ी होगा। तो हम